जितने भी लोग हैं इंडिया के, हम लोगों को सुन रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, आप प्लीज इंडिया मीडिया की न्यूज खबरों को मत बिलीव कीजिए कि वो लोग हमें यहाँ पे मदद दे रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। आप लोग प्रोटेस्ट करना चालू करिए, इंडिया पे प्रेशर डालिए गवर्नमेंट पे। नाम गरिमा मिश्रा है, मैं यूपी लखनऊ से हूँ। हम कीव में स्टक हो चुके हैं, पूरी चारों तरफ से घिर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई हेल्प नहीं दे रहा है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को कोई हेल्प, जो भी हमें हेल्प होनी है वो मिलने वाली नहीं है। आप हमारी केजीएन इंडिया न्यूज को, खबर को देखना चाहते हैं क्योंकि सबसे पहले दिखाते हैं हम, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। हम आपको दिखाएंगे हर नई लेटेस्ट, हर वो खबर सबसे पहले, तो देखना ना भूलें केजीएन इंडिया न्यूज, और साथ साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और आपको बता दें, यूक्रेन में फंसी बच्चियों ने लगाई है गुहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ योगी से कि यहां मेरी कोई मदद नहीं हो रही है। हालांकि आपको बता दें, नरेंद्र मोदी इस समय सभाओं में मस्त हैं, देश के प्रधानमंत्री, लेकिन बच्चियों पे क्या बीत रही है शायद उनको इसका एहसास नहीं है। आपको बता दें, चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर बच्चियों की जान पर बन गई या बच्चियों की जान से कोई चूक हो गई तो उनके माँ बाप शायद जिंदगी में प्रधानमंत्री के साथ साथ नहीं माफ करेंगे योगी को भी, क्योंकि लखनऊ की जिस तरीके से युक्ति ने बयान करा है, हालांकि लड़कियों का ये भी कहना है कि देशवासियों से और परिवार वालों से कि मेरे लिए प्रोटेस्ट चालू करें, यहाँ मेरी कोई मदद नहीं हो रही है, इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री के साथ साथ योगी पर आरोप लगाया बच्चियों ने, वायरल वीडियो में पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभाएं कर रहे हैं, चुनाव में मस्त हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय चुनाव चल रहे हैं 2022, और उसमें मस्त हैं। शायद अगर हल्की सी निगाह भी इन बच्चियों की तरफ डाल दें और उसके साथ साथ आदेश कर दें तो शायद अपने परिवार से ये मिल जाएंगी। रो रो कर बच्चियों ने पोल खोली है। आपको बता दें, मोदी सरकार के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अंबेसी पे किस तरीके से उनको टरकाया जा रहा है, ये भी हम आपको सुनवाएंगे। बच्चियों का दर्द, बच्चियों की जुबानी। लेकिन आपको बता दें, अगर इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन बच्चियों की आवाज को नजरअंदाज किया तो वो दिन दूर नहीं कि आपको बता दें कि देश में हाहाकार मचेगा। और अगर इन बच्चियों के साथ कोई भी घटना हो जाती है तो शायद इनके माता पिता जिंदगी में माफ नहीं करेंगे भारत सरकार को। इसीलिए भारत सरकार को कदम उठाना होगा, इन बच्चियों को अपने घर तक पहुंचाना होगा। लेकिन जिस तरीके से अफवाहें, जिस तरीके से दावा करा जा रहा है, दावा खोखला है, देश के प्रधानमंत्री को सोचना होगा, गृह मंत्री को सोचना होगा, इन बच्चियों को उन माँ बाप से मिलवाना होगा। बच्चियों का ये भी कहना है कि लड़कियों को उठा ले जा रहे हैं मिलिट्री वाले, और यहां तक कि नौजवानों को मार लगा रहे हैं। किस तरीके से दर्द बयान करा, हम आपको विस्तार से सुनवाएंगे। लेकिन भारत सरकार को सोचना होगा, इन बच्चियों को घर तक कैसे पहुंचेंगी, ये जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री की भी होगी। इंडियन एम्बेसी में ये इनका नाम दिखा देते हैं आपको, विक्रम कुमार। वी आर कॉलिंग देम एंड ही इज कंटिन्यूअसली रिजेक्टिंग आवर कॉल्स, जबकि हम लोगों ने इनको रोमानियन बॉर्डर की वीडियोस भेजी हैं जहां पे लड़कियों को बेरहमी से मारा जा रहा है। और इन्होंने अभी दोपहर में ही हम लोगों को बोला है कि कीव के बच्चे जितने भी निकल पा रहे हैं ट्रेन से निकल जाएं बॉर्डर्स पे। इस हालात में हम लोगों को गाइडेंस देने के बजाय ये लोग हमारे कॉल्स कट कर रहे हैं एंड दे आर कम्प्लीटली इग्नोरिंग अस। सारी कंट्रीज की सारी गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को निकाल लिया है, बट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर अस। दे आर सेइंग दे आर इवैक्यूएटिंग द इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम बॉर्डर। द बॉर्डर इज 800 किलोमीटर्स फ्रॉम आर करंट लोकेशन। हाउ आर वी एज अ स्टूडेंट सपोज टू रीच दोज बॉर्डर्स? आप जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं इंडिया के, हम लोगों को सुन रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, आप प्लीज इंडिया मीडिया की न्यूज खबरों को मत बिलीव कीजिए कि वो लोग हमें यहाँ पे मदद दे रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। आप लोग प्रोटेस्ट करना चालू करिए, इंडिया पे प्रेशर डालिए गवर्नमेंट पे, तभी हम 20,000 से 30,000 बच्चे जितने भी यहाँ पे स्टक हैं, इंडियन मेडिसिन स्टूडेंट्स, सॉरी फॉरेन मेडिसिन स्टूडेंट्स, वो निकल पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद। जय नेम से। हेलो, मेरा नाम गरिमा मिश्रा है, मैं यूपी लखनऊ से हूँ। हम कीव में स्टक हो चुके हैं, पूरी चारों तरफ से घिर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई हेल्प नहीं दे रहा है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को कोई हेल्प,
जो भी हमें हेल्प होनी है वो मिलने वाली नहीं है। हमने ये कुछ वीडियोस देखी है जब अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम एमबीसी को कॉल्स कर रहे हैं, एमबीसी हमें हमारी कॉल्स नहीं उठा रही है। सेकेंड थिंग, हम लोगों को बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो पा रहा, हम सिर्फ यहाँ पे फंस चुके हैं। जिस जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो कल रात को हंगामा करते हैं, वो गेट तोड़ते हैं, देन उसके बाद अंदर आने की कोशिश करते हैं, क्या होता है हमें कुछ भी नहीं पता। यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता जो हमारे साथ सिचुएशन, लेकिन जब अभी कुछ टाइम के बाद हमने सोचा कि हम यहाँ से निकलते हैं और हम यहाँ से किसी तरह निकलते हैं बाय ट्रेन, क्योंकि हम बाय ट्रेन निकले या फिर हम बसेस निकले, कार से निकले। कार से अभी जस्ट मेरे एक दोस्त ने बताया है मुझे कि जो बच्चे यहाँ से निकले हैं कीव से बाई कैब और बाई बस, उनको रशियन पीपल्स ने, रशियन आर्मी ने पहले स्टक किया, उन पे फायरिंग करी और उनकी लड़कियों को लेके, उन इंडियंस लड़कियों को लेके गए, पता नहीं कहाँ लेके गए, ये किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ लड़कियों को, और लड़कों का कुछ पता नहीं है। सेकंड थिंग, ये रोमानिया बॉर्डर में अभी हमें वीडियोस मिल रही हैं, उन वीडियोस में दिखाया जा रहा है कि रोमानियंस आर्मी वहाँ पे उन्हें मार रही है और उनके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही है। तो प्लीज, अब कहाँ गए हम, तो मूवीज में देखते थे ना, योगी जी, मोदी जी जो भी हैं, प्लीज, हम वीडियोस देखते थे ना, हमें बचाया जाता था, ऐसे हमारे अंदर ये रहता था कि हमें बचा लिया जाएगा, बट अभी हमें नहीं लगता कि हमें कुछ बचाया जाएगा, शायद पता नहीं हमारे साथ क्या हो। प्लीज गवर्नमेंट, अब जो भी हो जहाँ भी हो, प्लीज हमें आगे बचाओ, या फिर आप प्लीज यहाँ पे बाय एयर कुछ भी भेजो, इंडियन आर्मी को यहाँ पे प्लीज भेजो, तभी शायद हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि हम बच सकते हैं, बाकी हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पे बचेंगे या फिर हम यहाँ से कहीं जाना हमारे लिए सेफ है, और हम जहाँ पे हैं ये भी हमारे लिए सेफ नहीं है। सो प्लीज, जय हिंद, जय भारत, प्लीज आप हमारी हेल्प करो, प्लीज जो भी सुन रहा है, जो भी देख रहा है, इस वीडियो को शेयर करो और हर जगह भेजो, एमबीसी हमारी कॉल नहीं उठा रही, हमने उसकी वीडियोस भी बनाई, हम उन्हें कॉल कर रहे हैं, वो हमारी कॉल कट कर दे रहे हैं, वो हमसे कोई बात नहीं कर रहे, तो सब प्लीज जो भी इंडियंस देख रहे हैं प्लीज हेल्प करें। इफ यू वांट टू सी दीस काइंड ऑफ फैक्ट्स इन फ्यूचर, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वॉच द लेटेस्ट वीडियोज बाय लाइकिंग इट एंड प्रेसिंग द बेल आइकन।